नमाज पढ़ने वाली चार लड़के गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान की। सीतापुर के दो सगे भाई भी शामिल। यूपी में 2024 की तैयारी शुरू। सपा के वोट बैंक पर यूं है बीजेपी की नजर। मिथक तोड़ने कानपुर आ रहे हैं जल्द सीएम मोदी। वाराणसी में पत्नी ने पति पर बरसाई चप्पल और लादे थाने के सामने। सास और पत्नी ने मिलकर दामाद की कर दी पिटाई। शुद्धिकरण के लिए लखनऊ के लुलु मॉल पहुंचे महंत परमहंसाचार्य। पुलिस ने हिरासत में लिया। सुर्खियों में खुशीनगर की अजब शादी। दुल्हन रूस से, दुल्हा हिंदुस्तानी। इजराइल से आए बराती। पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो कूड़ेदान में ले जाने वाले सफाई कर्मी की नौकरी बहाल। कर्मचारी संगठनों ने दी थी चेतावनी। शुद्धिकरण करने लुलु मॉल पहुंचे परमहंसाचार्य। पुलिस पर भड़के बोले, भगवा पहना हूं तो रोक रहे हो, टोपी वालों को नहीं रोकते। बरेली में सीआर का हमला। बाइक सवार को दौड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई हरकत। कई लोग दो दिन से नहीं निकले घर से बाहर। मांझा कारखाने में उठी बदबू। निकला 20 दिन पुराना शव। मांझा कार्यकार ने किराए पर लिया था मकान। कारखाने के अंदर ही मिला उसका शव। मदरसों में गणित विज्ञान पढ़ाने को शिक्षकों की होगी नियुक्ति। इटावा के मदरसा संचालक बोले, सरकार अरबी और फारसी की पढ़ाई डिस्टर्ब कर रही। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा। मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।